हेलो दोस्तों, अगर आप अच्छी अच्छी वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस टली को बजा दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आपने ज़िंदगी में बहुत से गेम खेले होंगे, लेकिन मैं आज आपको ऐसे गेम्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप कहेंगे अरे क्या बात है, और आपको थोड़ा डर भी लगेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप गेम खेलने के बहुत शौकीन हैं तो आप ऐसा गेम कभी मत खेलना, क्योंकि ये गेम खेल के आपकी मौत पक्की है। तो मैं इस वीडियो में आपको इस गेम्स के बारे में बताऊंगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शेखर सिंह एंड यू आर वाचिंग डिस्टर्ब माइंड्स मैजिक। दिमाग को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये गेम हमेशा रात को खेले जाते हैं, करीब 12 बजे, वो भी अकेले, घर में कोई भी ना हो तभी ये गेम खेले जाते हैं। और जानिए इसके सच के बारे में, वीडियो पर बने रहें। गेम नंबर 1, ट्राई बोन्स। ट्राई बोन्स के बारे में बताऊं तो दोस्तों, ये एक ऐसी आत्मा होती है जो कि आपको तभी मिल सकती है जब उसको आप पुकारेंगे। जैसे आपके कमरे में कोई बाथरूम है, आप बाथरूम के अंदर जाकर उसे पुकारेंगे कि ट्राई बोन्स आ जाओ, और आप लगातार ऐसे ही बोलते रहेंगे, और उसके बाद आपको शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर देखना है, बार बार देखना है, और कम से कम 12 मिनट के बाद, वो भी टाइम 12:01 होना चाहिए, तभी ये गेम खेलना सही होगा। और उसके बाद आपको उस घर के अंदर कोई बड़ा कमरा होगा, उसके अंदर जाना होगा। अगर आपको कोई आत्मा दिखाई देती तो समझ लो वो आत्मा आ चुकी है और उसका प्रवेश इसके घर में आ चुका है। अगर दोस्तों आप रात के 3 बजे तक उससे बच गए, समझ लो तो आप उससे कुछ भी मांग सकते हैं। नंबर 2 है चार्ली। चार्ली गेम के बारे में दोस्तों मैं बताऊं तो वो 4 लोगों के साथ खेला जाता है, वो भी 12 बजे के बाद। दोस्तों इस गेम के बारे में बताऊं तो एक एक व्यक्ति चार्ली चार्ली कहकर पुकारा जाता है, और कम से कम 12 मिनट पुकारा जाता है। उसके बाद दोस्तों 12 मिनट पुकारने के बाद उस घर में, जो आपका महल है या घर है, उसमें आप छुप जाना है। छुपने के बाद आपको दिन के चढ़ने तक, दिन के उगने तक आपको बाहर नहीं निकलना। अगर आपको उस चार्ली ने ढूंढ लिया तो समझ लो आपकी मौत पक्की। अगर आप उससे बच गए तो आप समझ लो उससे कुछ भी पा सकते हो, और आपकी वो हर एक प्रकार की इच्छा पूर्ण कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मेरा दुख पहुँचाने की चेष्टा नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए वीडियो बनाया गया है। और दोस्तों मेरा कहना है कि आप कुछ नया सीखें और कुछ अच्छा करें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ठोक देना और बेल आइकन क्लिक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।